हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंकुर गहलोत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर गहलोत फोटोग्राफी में। दोस्तों, हम फोटोग्राफी सीख रहे हैं और पिछले कुछ क्लासेस में हमने फोटोग्राफी के बेसिक तीन नियमों से दो नियम जाने, जो कि अपर्चर और शटर स्पीड था। आज हम तीसरे नियम के बारे में बात करेंगे। तीसरा नियम है ISO। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ISO क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसका हमारी इमेज या वीडियो में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइएगा दोस्तों, जानते हैं। तो दोस्तों, हम ISO के बारे में जान रहे हैं और दोस्तों आइएगा, मैं आप पर कुछ वीडियो के ISO की सेटिंग चेंज करके आपको वीडियो दिखलाता हूँ। तो क्या क्या हम जब ISO चेंज करते हैं तो हमारी वीडियो में क्या फ़र्क आता है। तो दोस्तों देखते हैं। अभी जो कैमरे की सेटिंग में जो मैंने ISO रखा है, वो मैंने 100 रखा हुआ है, क्योंकि अभी जो है अवेलेबल लाइट हमारा सही है। हमें ISO कब चेंज करना पड़ता है? हमें ISO तब चेंज करना पड़ता है जब हम जहाँ पर हम फ़ोटो खींच रहे हैं या हम वीडियो बना रहे हैं, वहाँ पर हमारी जो लाइट है वो प्रॉपर हमें नहीं मिल पा रही है। तो उस कंडीशन में हम अपर्चर स्पीड के साथ साथ हम ISO में भी थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 100 ISO रखा हुआ है, क्योंकि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर अभी जो है मैंने प्रॉपर लाइट रखी हुई है, तो इसलिए ISO मैंने 100 रखा हुआ है। और 100 ISO पे दोस्तों वीडियो की क्वालिटी आपको दिखाई दे रही है कैसी है। तो दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ISO के को चेंज करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि हमारी जो वीडियो की क्वालिटी है उसमें क्या फ़र्क आता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं ISO की सेटिंग कर रहा हूँ और ISO की सेटिंग के साथ साथ मैं एक्सपोजर को भी सही रख रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ISO रखता हूँ 3200, और 3200 ISO के साथ साथ मैं एक्सपोजर को अपना थोड़ा सा सही कर लेता हूँ और अब यहाँ पर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने कैमरे की सेटिंग चेंज करी है और ISO मैंने यहाँ पर 3200 रखा हुआ है। तो दोस्तों, 100 ISO पे हमारी वीडियो की क्वालिटी क्या थी, और दोस्तों अब जो मैंने ISO चेंज करा है, 3200 मैंने ISO रखा है, तो अब हमारी वीडियो की क्वालिटी क्या है, ये आपको दोनों जो है इसका फ़र्क दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। दोस्तों, फिर से मैं एक बार और सेटिंग चेंज करता हूँ, ISO मैं थोड़ा सा और बढ़ा के दिखलाता हूँ कि हमारी वीडियो में और ज़्यादा क्या फ़र्क आता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर ISO को और बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सपोजर को और थोड़ा सा सही मैं कर लेता हूँ। तो देख रहे दोस्तों, यहाँ पर ISO की जो मैंने सेटिंग रखी है, ISO मैंने यहाँ पर 25600 रख दिया है और कैमरे के सेटिंग ISO 25600 के साथ साथ मैंने कुछ सेटिंग अपर्चर का भी करा था। और दोस्तों, अब पहले के मुकाबले अब जो वीडियो की क्वालिटी है, अब आप देख सकते हैं कि वीडियो की क्वालिटी क्या है। 100 ISO पे वीडियो की क्वालिटी क्या थी, 3200 पे हमारी वीडियो की क्वालिटी क्या थी और 25600 पे हमारी वीडियो की क्वालिटी क्या है दोस्तों। और अभी तो यह है कि अवेलेबल जो लाइट थी उसी पे मैं सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, मैं सिर्फ ये जो दिया जल रहा है यहाँ पर, इस दिए की रोशनी में मैं आपको जो ISO की और ज़्यादा जो हमारा कम लाइट में ISO का जो फ़र्क पड़ता है वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखला देता हूँ। दोस्तों आएगा, दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, देखेगा कि कम रोशनी में जो है हमारा क्या फ़र्क पड़ता है ISO का, और हमारी वीडियो पे क्या फ़र्क पड़ता है ISO का। तो ISO मैंने यहाँ पर दोस्तों जो है मैंने 6400 ISO रखा हुआ है, और 6400 ISO पे, और मैंने दोस्तों आपको मैं कैमरे की सेटिंग प्रॉपर बता दूँ, मैंने जो अभी वीडियो में जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो में मैंने इस शटर स्पीड रखी है 1/30, और अपर्चर जो मैंने रखा है 1.8 का अपर्चर मैंने यहाँ पर रखा है दोस्तों। तो दोस्तों, और ISO की जो सेटिंग रखी है यहाँ पर मैंने 6400 रखी हुई है। अब मैं दोस्तों ISO की सेटिंग थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो हमारी वीडियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, देखते हैं उसको। तो जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, पहले के मुकाबले अब वीडियो थोड़ा सा और लाइट हो गई है, मैंने ISO को बढ़ाया है दोस्तों। और साथ साथ दोस्तों देखेगा कि अब जो वीडियो की क्वालिटी है, उस वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा नॉइज़ और आ रहा होगा आपको, जो दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यही फ़र्क होता है कि जब हमारी लाइट हमें कम मिलती है
और कम लाइट में हम फोटो या वीडियो शूट करते हैं, तब जो हमारा हमें क्या काम करना होता है, तब हमें मजबूरी हो जाती है, हमें अपना आईएसओ बढ़ाना पड़ता है। तो दोस्तों आईएसओ बढ़ाने पे हमारी जो वीडियो है फोटो में नॉइज़ आएगा ही आएगा। तो दोस्तों आईएसओ कम अगर हम रखते हैं तो नॉइज़ नहीं आता है हमारी इमेज में और वीडियो में, और आईएसओ अगर हम ज़्यादा रखते हैं तो नॉइज़ ज़रूर आएगा हमारी इमेज और वीडियो में। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जांपल है, और हम अभी यहाँ पर आपको कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके दिखलाएंगे जिसमें कि आपको ये दिखाई देगा कि कम आईएसओ में और ज़्यादा आईएसओ में फ़ोटो पर भी क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो आइएगा दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक दिए का फ़ोटो खींचेंगे, और दिए के जो फ़ोटो में है हम आईएसओ को चेंज करके हम उसको क्या क्वालिटी हमारी बैठती है आईएसओ के, जब हम चेंज करते हैं आईएसओ ज़्यादा रखते हैं कम रखते हैं, हमारा क्या इफ़ेक्ट पड़ता है फ़ोटो के अंदर, तो उसको देखते हैं दोस्तों। अब मैं एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने दोस्तों एक फ़ोटो क्लिक करा है जिसकी जो आईएसओ है वो मैंने 50 रखा हुआ है। 50 आईएसओ पे देखेगा हमारा बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आया है। अब मैं थोड़ा सा आईएसओ बढ़ा देता हूँ दोस्तों। अब मैंने यहाँ पर आईएसओ 320 कर दिया है। आईएसओ 320 में देखेगा दोस्तों थोड़ा सा हल्का सा नॉइज़ आया हमारी इमेज में, और मैं आईएसओ फिर से बढ़ा देता हूँ। आईएसओ मैंने इस बार 3200 रखा है। 3200 आईएसओ पे देखिएगा कि दोस्तों नॉइज़ बढ़ने लगा है, और यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है 32000 आईएसओ करा है। 32000 आईएसओ पे देखिएगा दोस्तों हमारी इमेज में काफ़ी नॉइज़ आने लगा है दोस्तों। और मैं और ज़्यादा आईएसओ बढ़ाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैंने 25600 आईएसओ रखा है, और दोस्तों 25600 आईएसओ में देखिएगा कि हमारी इमेज में कितना नॉइज़ आया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर मैंने दो इमेज रखी है। यहाँ पर आईएसओ मैंने 50 वाली जो इमेज है वो मैंने रखी हुई है, और यहाँ पर आईएसओ 25600 वाली जो इमेज है, इन दोनों को कंपैरिजन देखते हैं दोस्तों। आईएसओ 50 वाली में बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है, और आईएसओ 25600 में देखा दोस्तों बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अगर आईएसओ हमने कम रखा है, कम आईएसओ पे नॉइज़ कम आता है, और आईएसओ ज़्यादा बढ़ाने पर नॉइज़ भी ज़्यादा आता है हमारी इमेज में और वीडियो में। तो दोस्तों इस तरीके से हम नॉइज़ के साथ में वर्क करते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हमें नॉइज़ को घटा बढ़ा करके हम अपनी वीडियो की क्वालिटी और फ़ोटो की क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों नॉइज़ के बारे में जितना नॉलेज मुझे थी मैंने आपके साथ में शेयर करी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बराबर वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आने वाली जो फ़ोटोग्राफी की क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएँ। तो दोस्तों देखते रहिएगा, मिलते हैं दोस्तों।